ओम शांति। हम जब श्रीमद् पर बाबा के पीछे पीछे चलते हैं, उसमें दूसरी बात इच्छा की आती है। इच्छा मन में कब आती है? जब हमें कुछ अच्छा लगता है, तो अच्छा इच्छा में बदल जाता है। विकारों में पड़ते ही अच्छा इच्छा में बदल जाता है। तो अपने मुख से अच्छा मेरे बाबा, तो इच्छा भी बाबा के तरफ ही रहेगी। हर समय बाबा को साथ रखना, यह भी हमारे लिए फायदेकारक है। हर समय बाप को कंबाइंड रखना, अभ्यास करना है। मैं और मेरा आधा अंग है उस परम पिता का। महसूस करने जैसे अर्ध नारेश्वर स्वरूप दिखाते हैं, तो बाबा को कंबाइंड रखने से हम कोई भी कर्म करते पहले सोचते हैं, बाबा मेरे साथ है, वह देख रहे हैं, मुझे यह नहीं करना चाहिए। बाप दादा को कंबाइंड नहीं रखते हैं तो विकर्म हो ही जाता है। हर समय बाप को नजदीक पाना, कंबाइंड रखना, तो कभी भी हम गलती नहीं करेंगे। सोचेंगे बाबा हमें देख रहा है, इसलिए यह अभ्यास भी हमें उठते बैठते खाते पीते सोते, बाबा मेरे साथ है, साथी बनकर, तो कोई भी नेगेटिव भाव भी हमारे मन में नहीं आएगा। मैं और मेरा बाबा ब्रह्मातन में रहकर मेरे हर कार्य में मेरे साथ है, मुझे साथ देता है। मेरे हर कार्य में, मेरी हर सोच में, मेरी बुद्धि में मेरे बाबा मेरे साथ है। आगे कल। ओम शांति।